Morning student, I hope you all are doing well and today I am going to discuss with you question number 9 from exercise 8.1 class 10th. Now the question is, in a triangle ABC right angle at B if ten A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Next one is cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी ठीक है अब देखो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ऑब्जर्व करनी है कि टेन की वैल्यू क्या की वन अपॉन रूट थ्री ठीक है उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे टू है थीटा की टू वैल्यूज है एक तो आपको ए पे देखनी है दूसरा आपको सी पे देखनी है दैट मीन्स आपके पास टू ट्रैंगल होनी चाहिए जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास टू ट्रैंगल होनी चाहिए ठीक है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए टू ट्रंगल्स बनवा रही हूं राइट right एंगल जिस पे बोला दोनों में सेम रहेगा बी पे बोला है तो बी को दोनों में ऐसे रखिए बात समझ में आई अब बात करते हैं पहले साइन की साइन ए ए इट मीन्स एक बार ए यहां पे लोगे तो ए बी ए सी हो जाएगा एक बार सी चाहिए तो सी को यहां पे रखो बात समझ में आ रही है तो ए यहां चला जाएगा जब हम साइन ए कोस ए कोस ए साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस ट्रैंगल को देखेंगे ठीक है जब हम साइन सी मीन थिट्टा की वैल्यू जब सी पर देखेंगे तो हम किस ट्रैंगल को लेंगे इस ट्रैंगल को बात समझ में आ रही है ठीक है अब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी ठीक है अब देखो बेटा आपको टेन ए की वैल्यू गिवन है टेन ए इजिकल टू वन बाई रूट थ्री और हमें पता है क्या होता है हमारा फॉर्मूला जिससे बेसिकली हम समझते हैं कि जो ये वन बाई रूट थ्री है जिसमें बेस क्या है हाइपोटेनस है या परपेंडिकुलर दिया क्या दिया इसे कैसे पता चलेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ठीक है अब मैंने बताया हुआ है ये क्या होता है बेटा हमारा साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक मैंने किसी के भी साथ थिटा नहीं लगाया है ठीक है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू टेन ए की वैल्यू बोला इट मीन्स ये इसकी बात कर रहा है टेन ए की वैल्यू इट मीन्स ये इस ट्रेंगल की बात कर रहा है ठीक है अब देखो टेन ए क्या होता है पी बाई बी इट मीन्स ये वैल्यू क्या, 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 तो क्या है आपकी पी बाई बी पी क्या आपका परपेंडिकुलर बी क्या है आपका बेस तो पी क्या है यहाँ पे देखो ये तो हाइपोटेनस हो गया बेस हमेशा ये होता है आपका बेस क्या हो गया आपका रूट थ्री परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका वन तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते अब फटाफट यहाँ पे निकालते हैं ये वैल्यू हो गई आपकी ए बी ये वैल्यू है आपकी बी सी तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए सी ए सी क्या हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वेयर राइट तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ए सी इजिकल e टू क्या हो जाएगा रूट ए बी मीन्स रूट थ्री स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर ठीक है सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा स्क्वेयर से रूट कैंसिल थ्री प्लस वन तो क्या आ जाएगा आपके पास ए सी इजिक्वल टू फोर हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयर से ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी रूट फोर दैट इज इक्वल टू इट मीन्स ए सी क्या आ गया आपका टू तो मैं यहाँ पे टू लिख सकती हूँ हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास टू आ गया ठीक है अब आपके पास सभी वैल्यूज है फटाफट रख दीजिए अब देखो यहाँ पे बी सी अब यहाँ पे सी एंगल है आपका तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस तो टू रहेगी हाइपोटेनस क्या रहेगी टू अब यहाँ पे जो रूट थ्री है ना वो ए बी की वैल्यू है तो ए बी कहाँ है आपकी बार यहाँ पे रूट थ्री किसकी वैल्यू है ए बी की और यहाँ ए बी नहीं है ए बी यहाँ है तो ये रूट थ्री कहाँ जाएगा यहाँ पे, वन कहाँ पे जाएगा यहाँ पे सिर्फ इतना भी अगर ध्यान नहीं रखना है तो हाइपोटेनस सेम रहेगा इन वैल्यू को बदल दिए एक्सचेंज कर दो वन की जगह रूट थ्री रूट थ्री की जगह वन ठीक है ये समझ लीजिए सिंपल वे में ठीक है बेटा अब फर्स्ट को निकालते हैं मीन्स साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी फटाफट वैल्यू देखते हैं हमारे पास ट्रेंगल है साइन ए की वैल्यू क्या होगी इस ट्रेंगल में देखना है की बात कर रही हूँ तो फॉर्मूला दोनों में सिम रहेगा तो साइन ए क्या होता है साइन क्या होता है पी बाई एच पी क्या है बेटे यहाँ पे पी बाई एच मीन्स वन बाई टू लिखिए वन बाई टू इन टू कोई साइन नहीं है तो इन टू हाँ जी नेक्स्ट क्या है आपका कोस सी सी की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखना कोस सी मीन्स बी बाई एच बी बाई एच मीन्स वन बाई टू अगेन वन बाई टू प्लस कोस ए कोस ए ए की बात हो रही है कोस ए पे क्या हो जाएगा बी बाई एच बी बाई एच मीन्स रूट थ्री बाय टू इन टू साइन सी साइन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें साइन की वैल्यू पी बाई एच पी बाई एच रूट थ्री बाय टू ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा तो. 2, 2, तो आ जाएगा भाई सोल्व करेंगे तो टू टू जा फोर वन बाई फोर प्लस रूट थ्री की रूट थ्री से करेंगे तो थ्री आ जाएगा अपॉन टू के टू से करेंगे फोर दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम फोर आ गया तो वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा फोर फोर से फोर कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया फर्स्ट का आंसर वन ठीक है अब बात करते हैं सेकेंड की सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन वैल्यू रखते हैं ट्रेंगल आपके पास है फिर से देखिए कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कोस ए बी बाई एच बी बाई एच रूट थ्री बाय टू क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय टू इंटू कोस सी की वैल्यू कोस सी सी पे पूछ रहा है तो बी बाई एच बी बाय एच वन बाय टू माइनस साइन ए की वैल्यू ए पे बात करेंगे पी बाई एच पी बाय एच वन बाय इन साइन सी की वैल्यू पी बाई एच पी बाई एच रूट थ्री बाई टू है ना तो यहाँ पे हमने वैल्यू उसको पुट कर दिया है ट्रेंगल में साथ साथ बता के आपको देखो वैसे ही पता चल रहा है रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू कैंसिल वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल है ना लेकिन फिर भी कोई बात नहीं इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर रूट थ्री की वन से करेंगे रूट थ्री बाई टू टू जा फोर माइनस रूट थ्री बाय टू टू जा फोर कैंसिल होगा तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बेटा जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैं बता रही हूँ आपको समझ में आए ही आए बट मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ कि भाई ईजी है ईजी वे में समझा रही हूँ फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी अच्छा मेथड है तो आप वो भी ट्राई करिएगा और ये अच्छी ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं